एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स का सीजन है और तरह तरीके के लोग गिफ्ट्स एक दूसरे को देना पसंद करते हैं। और अभी तो रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पर खूब सारे मार्केट में गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं। बट अगर आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको क्रंची से पीनट बटर को यूज करके साथ में चोको हेजलनट दो अलग से ही फ्लेवर्स के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी चीज केक जार्स की शेयर कर रही हूँ। आपने अलग अलग फ्लेवर के चीज केक खाए होंगे, बट आज की रेसिपी टोटली डिफरेंट है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और इनको बना करके एक हम गिफ्ट हैम्पर भी बनाएंगे कि अगर आपको सेल करना हो, राखी के तौर पर कोई आपसे पूछे कि कोई क्या गिफ्ट बॉक्स है, तो आप उसमें क्या क्या किस प्राइस में सेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगी। तो आज की रेसिपी के लिए ना फ्रेंड, जो चीजें हमें चाहिए वो बहुत ही सिंपल सी हैं। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो मीठा हो, पार्ले जी का बिस्किट ले सकते हैं, कोई कम मीठे वाला इस तरीके के जो डाइजेस्टिव बिस्किट आते हैं ना, मारी गोल्ड वगैरह के, वो ले सकते हैं, या आपकी चॉइस का जो भी बिस्किट हो वो ले सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि चीज केक है तो आपको चीज क्रीम चाहिए होगी। मेरे पास यहाँ क्रीम इटालिया की चीज क्रीम है, इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। डिलेक्टा की चीज क्रीम जो है वो भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है, तो आप इसे मंगा सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें घर में भी बना सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं ना चीज क्रीम कैसे प्रॉपरली बनाई जाती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक और वीडियो लाऊंगी। वैसे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। और ये सब भी ना करना होना और झटपट बनाना हो तो भी क्या कर सकते हैं वो भी वीडियो के दौरान आपको बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। साथ ही फ्रेंड, चीज केक जार्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा महंगे महंगे इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, बस कुछ ही चाहिए लेकिन वो प्रॉपरली होने चाहिए। हमें मेल्टेड बटर चाहिए होगा। कुछ लोग जब भी मैं चीज केक की रेसिपी शेयर करती हूँ पूछते हैं मैम घी नहीं यूज कर सकते, तो घी आप कर सकते हैं, बट प्रॉपर जो टेस्ट आता है ना वो बटर से ही आता है। बटर आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है, मेल्ट करके बटर आपको लेना है। साथ में फ्रेंड्स जो चीजें और चाहिए होंगी वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से फ्लेवर के चीज केक जार्स को बनाना। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स आपको बिस्किट को ग्राइंड करना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये पार्ले जी का बिस्किट है, मैं पहले तो वो ले लेती हूँ, बट जैसा मैंने कहा आप अपनी चॉइस का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो बिस्किट को आप किसी भी अपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल लीजिएगा। मेरे पास ये अगारो का हैंड ब्लेंडर एंड चॉपर है और ये बहुत सारे काम अच्छे से कर देता है। प्लस जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं किचन में बार बार नहीं जा पाती हूँ जहाँ में मेरा मिक्सर है, और ये आराम से मैं कहीं भी रख लेती हूँ। तो आप भी इसे परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बिस्किट की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं ऊपर से ये दूसरा बिस्किट डाल देती हूँ। आप ऐसे मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है जो मीठापन होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये वाले जो बिस्किट होते हैं ना थोड़े कम मीठे होते हैं, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। तोड़ करके डालेंगे तो आराम से ग्राइंड हो जाएगा, और अभी देख लेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम और ले लेंगे। तो अब मैं इसका जार लगा देती हूँ और इसको हम ग्राइंड करते हैं। तो ये इसके ऊपर का है सेट जिसको आपको कवर करना है, आराम से आप इसे फिक्स कर सकते हैं और बस। जितना पतला आपको ग्राइंड करना हो आप कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा दरदरा भी रहेगा ना तो वो टेस्ट में अच्छा आएगा। तो फटाफट मिनटों में देखिए हमारा बिस्किट जो है वो ग्राइंड हो चुका है। इसमें थोड़े से मुझे बड़े बड़े पीसेस दिख रहे हैं, उसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो अभी हमारा बिस्किट एकदम कंप्लीटली रेडी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके अंदर बटर जाएगा और उसकी एक लेयर जो है हम अपने जार्स के अंदर सेट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और है फ्रेंड्स, केक जार्स जो होते हैं वही चीज केक जार्स के लिए यूज किए जाते हैं। ये ग्लास के होते हैं और इस तरीके से आप इन्हें खोल सकते हैं, बड़े छोटे डिफरेंट साइजेस में ये आते हैं, तो इसी में ये दिए जाते हैं, सेल भी किए जाते हैं। बट इनकेस आपके पास ना हो और आपके पास कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए तो आप इस तरीके के जो ये ग्लास आते हैं ना इनमें भी बना सकते हैं। बस इसको क्लिंग रैप से आपको कवर करना होगा, बट ये थोड़े नाजुक होते हैं और ये आपको जहां भी कस्टमर को दे उनको बता दीजिएगा कि इसको अच्छे से इसको डिस्ट्रॉय कीजिएगा, बट प्रोफेशनली अगर देना चाहते हैं तो ये आप आराम से परचेज कर सकते हैं। और ये मैंने फ्लेवर सम शॉप से मंगाए हैं, आप भी अलग अलग साइजेस के उनसे कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हैं। यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर जो हमने बिस्किट ग्राइंड किया हुआ रखा है ना वो ऐड करेंगे। तो लगभग आप मान सकते हैं 15 से 16 बिस्किट का ये चूरा है। अब इसमें जो हमने बटर पिघला करके रखा है लगभग 3 टेबलस्पून है वो ऐड कर देंगे, या फिर बटर ऐसा कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, बस इतना ले लीजिएगा कि जो
बिस्किट का पाउडर है ना, ये थोड़ा सा गीला हो जाए जिससे कि ये सेट हो जाए। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये मुझे ड्राई लग रहा था, तो मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून और यहाँ बटर मेल्ट करके ऐड किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, तभी जो है इसकी लेयर जो है हमारे चीज केक के नीचे की वो सेट होगी। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है। अब देखिए कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर इस मिक्सचर को ना फ्रेंड्स हम अपने इन केक जार्स के, ये जो ग्लास के जार आते हैं ना, उसके अंदर डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से जिस भी साइज का आपको चाहिए आप फ्लेवर हम शॉप से मंगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं ये। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इनके अंदर डाल रही हूँ। तो ये टोटली मिक्सचर मुझे इन दोनों में ही डिवाइड करना है। ये वाला बड़ा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर जाएगा। इस तरीके से हम इसे डाल देंगे और फिर हम इसको प्रेस करके सेट करेंगे। तो अंदाजे से मैं अभी डाल रही हूँ और जो बचा हुआ है उसे छोटे वाले में डाल देते हैं। डालने के बाद फ्रेंड्स अब इन्हें थोड़ा थोड़ा ना हम प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के लिए जो मसाला कूटने वाला किचन में हमारे होता है ना, उससे मैं हेल्प ले रही हूँ। हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, ताकि पूरी लेयर जो है वो एक जैसी दिखे। मैं पास से भी आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले छोटे वाले पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैंने दबा दबा करके सेट कर लिया लेयर्स दोनों की ही। अब इन दोनों जार्स को ना फ्रेंड्स हम इसका लिड यानी कि ढक्कन लगा करके ना फ्रिज में रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, या जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तब तक ये नीचे की जो लेयर है ना वो अच्छे से सेट हो जाएंगी और हमारा काम भी अच्छा होगा। इनके लिड को लगा देते हैं और अब मैं जाती हूँ फ्रिज में इन्हें रखने और आगे की प्रोसेस को करेंगे। और फ्रेंड्स इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आपका तुरंत मन करता है ना इन केक जार्स को बनाने का, तो आप ये प्लास्टिक के जो कंटेनर आते हैं ना उनमें भी अपनी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बट प्रोफेशनली आप ग्लास के केक जार्स ही मंगाइएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जब तक वो ठंडे हो रहे हैं ना हम आगे की प्रोसेस करेंगे। उसके लिए ना हमें एक बाउल में लगभग 1/4 कप क्रीम चाहिए होगी, व्हिपिंग क्रीम। आप यहाँ पर अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो। और मैंने 1/4 कप इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास कल की लेफ्ट ओवर क्रीम भी बची है। बट अगर आप यही रेसिपी इसी मेजरमेंट से बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून और एक्स्ट्रा क्रीम ऐड कर लीजिएगा। अब इसे मैं व्हिप कर रही हूँ अपने गारों के इस हैंड इलेक्ट्रिक बीटर एंड चॉपर से। बट यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ कि इसकी हमें सॉफ्ट पीक नहीं बल्कि जैसे स्टिफ पीक आती है ना वो बनानी है। सॉफ्ट पीक हमें तब बनानी होती है फ्रेंड्स जब हम बेकिंग वाला चीज केक बना रहे हो, और ये हमारा नो बेक चीज केक है। तो यहाँ पर बढ़िया क्रीम हमें व्हिप करनी है। अब ये जो लेफ्ट ओवर मेरी क्रीम बची है ना फ्रेंड्स, वो भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। और अब हम फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे हमारा स्पेशल मेन इंग्रेडिएंट जो कि है चीज क्रीम। अब यहाँ पर मैं ये क्रीम इटालिया की चीज क्रीम यूज कर रही हूँ, मेरे पास में घर के यही मिलती है। आप डिलेक्टा की भी यूज कर सकते हैं और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो लगभग 1/4 कप या टेबल स्पून से नापें तो 3 टेबल स्पून हमें इसके अंदर चीज क्रीम ऐड करनी होगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि मैम चीज क्रीम ना हो ना हमें बनानी आती हो तो क्या करें, तो फ्रेंड्स आप अच्छे गाढ़े दूध की दही जमा लीजिए या मार्केट का दही ले लीजिए, उसे मलमल के कपड़े में डाल करके टांग दीजिए। जब सारा पानी निकल जाए उस हंग्ड कर्ड को आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं और वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पर ना मुझे 2 केक जार्स बनाने हैं अलग अलग फ्लेवर के, तो मैंने 2 बाउल्स में ये जो हमने चीज क्रीम बनाई है ना उसको डिवाइड कर लिया है। अब पहले में मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स डिसानो का ये पीनट बटर क्रंची वाला। यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप जब ये बटर ऐसे ही खाएंगे ना तो ही आपको इतना ही टेस्टी लगेगा, और जब ये चीज केक जार्स में आएगा ना तो इसका मतलब मजा जो है वो दुगना तिगना हो जाएगा। तो लगभग 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए आप फिर से इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प ले सकते हैं, उससे ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप ऐड करेंगे ना इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी क्रंची पीनट बटर वाली जो है चीज क्रीम रेडी हो गई है। इसे साइड में रख देते हैं और जो दूसरे छोटे बाउल में हमने निकाली है ना उसमें भी हम अलग सा एक फ्लेवर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्पैचुला से भी थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, जो साइड की थोड़ी बहुत क्रीम रह गई है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इसे अभी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैं रूम टेम्परेचर पर साइड में रखती हूँ। और ये जो दूसरे बाउल में फ्रेंड्स हमने निकाली थी ना चीज क्रीम, इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मालास कंपनी का ये चोको हेजल नट का जो फिलिंग आता है वो। लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूं फ्रेंड्स जिस भी फ्लेवर का आप चीज केक जार बनाना चाहते हो ना यहाँ पर वही फिलिंग आप ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका भी देखिए कलर चेंज हो गया है। ये जो केक जार है ना ये हमारा लगभग 150 से 200 ग्राम वाला है, तो क्वांटिटी थोड़ी कम बनाई है हमने। और यहाँ पर हमारी 2 डिफरेंट फ्लेवर की जो है चीज क्रीम रेडी है। पहली वाली हमारी पीनट बटर वाली क्रंची है और दूसरी वाली हेजलनट वाली। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इन फिलिंग्स को ना हम अपने पाइपिंग बैग में भर लेंगे, क्योंकि अब हमें अपने केक जार्स के ऊपर इसकी लेयर सेट करनी होगी। तो अगर आप चम्मच वगैरह से डालेंगे ना तो फिनिशिंग उतनी नहीं आएगी, प्रोफेशनली नहीं लगेगा काम। तो आप एक पाइपिंग बैग में इन दोनों को इस तरीके से भर लीजिएगा और फिर अपना आगे का काम कीजिएगा। यहाँ फटाफट से मैं दोनों ही पाइपिंग बैग में ये फिलिंग भर लेती हूँ।
और साथ के साथ फ्रेंड्स एक डाउट दूर कर देती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बिस्किट के चूरे में क्या ऑयल या देसी घी वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं जो फ्रिज में जाने के बाद सेट हो जाए। देसी घी भी सेट होगा, बटर भी होगा, बट ऑयल वगैरह यूज ना करें क्योंकि वो फ्रिज में जाकर सेट नहीं होगा और हमारी लेयर को परफेक्टली नहीं बनाएगा। अगर आपको देसी घी का टेस्ट पसंद है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ प्रेफर करूंगी कि आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो फिलिंग हमने पाइपिंग बैग में भरी है ना फ्रेंड्स, इससे हम अपने जार्स के ऊपर इसकी एक लेयर लगाएंगे, ऑलमोस्ट ऊपर तक आएंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर हम एक थर्ड लेयर भी बनाने वाले हैं। मैं पास से आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से बस रोटेट करते जाइएगा, फिर बीच में भी फिल करते जाइएगा और जितनी आपकी क्रीम है ये पूरी ही हम इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पर आप अच्छे से प्रेस करके भरिएगा फ्रेंड्स, ताकि कोई भी गैप ना बचे। और लास्ट में इसकी फिनिशिंग के लिए ना, कोई आपके पास पैलेट नाइफ हो या स्पून हो, उससे आप हल्का हल्का इसे स्मच कर दीजिएगा, ताकि जो ऊपर की लेयर है ना वो परफेक्टली एक जैसी हो जाए, एकदम फिनिशिंग आ जाए उस पर इस तरीके से। तो ये बड़ा वाला जार तो हमारा अच्छे से रेडी हो गया, इसको साइड में रखते हैं। और जो छोटा वाला जार है ना, जिसमें हमने हेजल नट की फिलिंग से चीज क्रीम बनाई है, उसको भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, सिंपली आपको पाइपिंग बैग को रोटेट करते करते ऊपर तक इस क्रीम से इसको भर देना है और फिर इसे पैलेट नाइफ से अच्छे से इवनली हम स्प्रेड कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपके घर में इजिली अवेलेबल हो जाएंगी, और जो नहीं मिलती हैं वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। बस एक चीज़ क्रीम ही है जो मिलती नहीं है, वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और उसका भी रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया है, हंग कर्ड वाला। तो ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स इस रेसिपी को। अभी मैंने केक जार्स को फ्रिज में रख दिया है और उसके ऊपर की एक लेयर को सेट करने के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। तो एक बाउल में मैंने फिर से लगभग 2 टेबल स्पून के करीब ये पीनट क्रंची वाला बटर लिया है। ये थोड़ा थिक होता है फ्रेंड्स, तो चम्मच से अगर आप ऐसे मिक्स करेंगे तो भी ये सॉफ्ट नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हल्का सा लगभग 1/2 टीस्पून के करीब पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको हम गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अगारो का ये तड़का पैन लिया है, इसमें ये पीनट बटर में डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी आपको डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और हल्की आँच पर गैस पर लगभग 5 से 7 सेकेंड ही आप जब चलाएंगे ना, तो ये पीनट बटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और हम इसे आसानी से अपने जार्स के ऊपर की लेयर में सेट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपको इसे नहीं मिक्स करना है, नहीं तो ये कर्डल हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको अपने केक जार के ऊपर की लेयर में स्प्रेड करूँगी। तो हमारा जो केक जार है, जैसे हमने फ्रिज में रखा था, उसके ऊपर की जो क्रीम थी वो भी सेट हो गई है। अब धीरे से स्पून की मदद से इसको स्प्रेड करेंगे। आप इसे पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं, बट मेरा क्रंची वाला है, इसमें मूंगफली के छोटे छोटे पीस हैं, तो पाइपिंग बैग से मुझे थोड़ा दिक्कत देते, इसलिए मैं स्पून से डाल करके ही इसे इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये लेयर हमारी बढ़िया से सेट हो गई है। और इसको डेकोरेट करने के लिए फ्रेंड्स मैंने चॉकलेट गनाश लिया है पाइपिंग बैग में, और इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बना देंगे। इसके साथ चॉकलेट का जो फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। लीजिए, तैयार है हमारा ये चॉकलेट और पीनट क्रंची फ्लेवर वाला चीज केक जार। इसको आप आराम से फ्रेंड्स फिर से फ्रिज में रख दीजिए, अच्छे से ये सेट हो जाएगा और फिर ये रेडी टू यूज है, रेडी टू ईट है, रेडी टू सर्व है। चलिए अब दूसरे वाला भी रेडी करते हैं। तो इसके लिए ना फ्रेंड्स मैंने हेजलनट वाली फिलिंग पाइपिंग बैग में नहीं ली है, बल्कि जो कैरमल सॉस आता है ना वो पाइपिंग बैग में लिया है, क्योंकि हेजलनट का कलर भी डार्क था और दोनों केक जार फिर मेरे एक जैसे लगते हैं, और कैरमल के साथ हेजलनट का टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है। तो उसको भी मैंने पाइपिंग बैग में भर करके दो तरफ से इस तरीके से जिगजैग लाइंस बना दी है। और ये हेजलनट का फ्लेवर है, और हेजलनट इसके ऊपर ना हो तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो ये मैंने हेजलनट ले लिए हैं, इसको बीच में से कट करेंगे और ऊपर इस तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। अब आप कहेंगे मैम ये हेजलनट, ये कैरमल सॉस, ये चॉकलेट गनाश, अगर हमें कहीं रेडीमेड बना बनाया मिल जाए तो क्या बात है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, फ्लेवर सम शॉप से ही मैं ये सारा सामान मंगवाती हूँ, आप भी मंगा सकते हैं, ये हेजलनट वगैरह सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स झटपट बिना किसी बेकिंग के, बिना किसी तामझाम के, हमने अपने ये 2 डिफरेंट फ्लेवर वाले केक जार्स बना लिए हैं। अभी पूरी पैकिंग प्राइसिंग हैम्पर बनाना भी सिखाऊंगी, बट आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप सिंपली ऐसे केक जार्स भी बनाकर सेल करना चाहते हैं ना, तो कर सकते हैं। यहाँ इंस्टाग्राम पर मैंने देखा था कि कोई सुतली बांध करके ना इसको बड़ी अट्रैक्टिव लुक में दे रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये बड़े वाला जार, फिर सोचा ये छोटे वाले जार को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर आप चलने वाले ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे ना, तो कहीं पीछे छूट जाएंगे, फिर चाहे वीडियो की शूटिंग करने का नया तरीका हो या फिर किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का। और सच में अगर आप मेरी इस बात से सहमत है ना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, दोनों ही केक जार जो है हमारे बन करके रेडी है, और आप देख सकते हैं अंदर से इनकी लुक जो है बिल्कुल बेकरी या कहूँ बेकरी से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आजकल आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कई लोगों को देखा होगा इस तरीके के चीजों को बनाते हुए।
तो ये दोनों केक जार्स बन गए हैं, आप आराम से इसे फ्रिज में रखिए, ये आराम से 10 दिन तक खाए जा सकते हैं, बिल्कुल भी इनको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, रूम टेम्परेचर पर अगर रखते हैं तो 3 से 4 दिन में ये कंज्यूम करने आपको होंगे, विंटर्स में तो ये काफी दिन तक चल जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप बना करके सेल कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये जो बड़े वाला केक जार है ना फ्रेंड्स, अगर आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को नापेंगे तो ये लगभग 250 से 300 ग्राम का अंदर का मटेरियल होगा। ग्लास का वजन अगर हम निकाल दें तो आराम से इसे आप 300 से 350 रुपीज तक सेल कर सकते हैं सिंगल बॉक्स को। पैकिंग वगैरह अलग कर रहे हैं तो उसका चार्ज अलग होगा। और ऐसे ये छोटे वाला जो 200 ग्राम का है, इसको आप आराम से 250 से 300 तक दे सकते हैं। बट अगर आप इनको एक कॉम्बो बना करके किसी हैम्पर में फेस्टिवल्स पर दे सकते हैं तो आप जरूर दीजिए, उससे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा राखी स्पेशल हैम्पर बना करके दिखाती हूँ इन चीजों की मदद से, ताकि आपको बेनिफिट हो और अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए तो आपके पास ऑप्शंस हो और आइडियाज हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिंगल चीज केक जार्स देने हो तो आप वैसे दीजिएगा, प्राइसिंग मैंने बता दी। बट अगर इसको हैम्पर बना करके आप देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए कुछ आइडियाज आपको बताती हूँ। आपको क्या करना होगा, इस तरीके का कोई भी एक अट्रैक्टिव सा विंडो बॉक्स लेना होगा, आजकल मार्केट में खूब आते हैं, नहीं तो आप फ्लेवरसम शॉप से भी मंगा सकते हैं। फिर बॉक्स के अंदर का लुक अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पर मैंने कलरफुल सी पेपर शेडिंग डाली है, आप कोई भी कलर की डाल सकते हैं, मैंने पिंक डाली है। फिर यहाँ पर मैंने अपने दोनों चीज के जार्स रख दिए हैं। अब इसके अंदर फ्रेंड्स आप कोई चॉकलेट्स रख सकते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ये चॉकलेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, हैप्पी रक्षाबंधन वाली पीवीसी मोल्ड में बना करके, तो वो मैंने प्लेस की है। साइड में कुछ राखी रख दिए हैं और ये हमारा रक्षाबंधन स्पेशल जो है वो गिफ्ट हैम्पर जो है तैयार है। तो आजकल इसकी काफी डिमांड है, लोग जो सिंपल सिंपल चीजें हैं चॉकलेट्स वगैरह उनको देकर बोर हो गए हैं, तो अगर आप अपने स्टेटस वगैरह पर इसको एक बना करके लगाएंगे ना, तो देखिएगा आपके पास खूब भर भर के प्री ऑर्डर्स पहले से ही बुक हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास ना रक्षाबंधन के कुछ स्पेशल स्टिकर्स थे, मैंने मंगवाए थे, वो भी मैंने यहाँ लगा दिया है, और साथ में लास्ट में एक थैंक यू का टैग लगा दूंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो गिफ्ट हैम्पर है ना, ये किसी भी फेस्टिवल पर आप चला सकते हैं, चाहे गणेश चतुर्थी हो, अभी दिवाली आ रही है, उस पर भी ये काम करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक होम बेकर है ना, तो आज ही इस तरीके के गिफ्ट हैम्पर को बना करके अपने स्टेटस पर लगाइए, देखिएगा फेस्टिवल पर कितने आपको ऑर्डर मिलेंगे। मैंने खुद ये स्टेटस पर लगाया और रिस्पॉन्स इतना बढ़िया आया। और भी बहुत कुछ फ्रेंड्स आप इनमें वेरिएशन कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है, आपके पास उस समय क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। इस तरीके के कपकेक्स बना करके भी आप बॉक्सेस में रख सकते हैं। मैंने जो चॉकलेट वाला हैम्पर बनाना सिखाया था उसमें मैंने ये कपकेक्स रखे थे, बट इसमें आप चॉकलेट और चीज केक जार्स रखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है और देने वाले को लेने वाले को सभी को मजा आ जाता है। और चलिए फ्रेंड्स अब इसकी प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए मेरे आसपास जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से अगर मैं इस गिफ्ट हैम्पर को दूँ सारी चीजें ऐड करके पैकिंग बॉक्स का चार्ज वगैरह लगा करके, तो आप इसके 850 रुपीज तक ले सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से, तो आपके यहाँ पर जो प्राइस चल रहे हैं आप उस हिसाब से दे सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने 2 डिफरेंट फ्लेवर के आपको ये चीज केक जार्स बनाना सिखाया है। आप अपनी पसंद के अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज केक जार्स बना सकते हैं, बट फिलिंग और थोड़ी सी प्रोसेस चेंज कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल आराम से ऐसे ही चीज केक जार बन जाएगा। तो वीडियो, ये रेसिपी, आज का ये कंप्लीट डेकोरेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर बार आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और इसी तरीके से रोजाना सीखने के लिए टाइम पर आते रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ये जो मैंने आज सूट पहना हुआ है ये मैंने पहना है देसी यू की तरफ से। ये इंस्टाग्राम आईडी पर अगर आप देखेंगे तो आपको खूब सारा इनका कलेक्शन दिख जाएगा, कॉटन के बहुत बढ़िया सूट्स आते हैं और मैं नॉर्मली पहनती भी रहती हूँ। वैसे इसका डिटेल वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल तारा मधु डायरीज पर देख सकते हैं, वहां इसकी कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप थिंकिंग।